हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम अमित कुमार सिंह है। आज मैं आपको एक पेपर शटर कंपनी बताऊंगा जो आपको बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न बना के दे सकता है। कुछ दिन पहले ही खबर ये आया है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई है पेपर पे। तो वैसे में फ्रेंड, जितनी भी कंपनी है सभी को बहुत ही अच्छा खासा फायदा हो सकता है। ये जो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई है वो 3 साल के लिए लगाई गई है। पेपर सेक्टर एक कंपनी हम लोग को पैसा लगा के रखना चाहिए। क्यों लगा के रखना चाहिए? देखो, हम सभी लोग फोटो स्टेट, डायरी, बुक ये सब तो यूज करते हैं, आपको भी पता है। लेकिन पेपर में बहुत तरह के पेपर होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही सब पेपर होता है। पेपर में हम लोग कुछ भी सामान खरीदते हैं तो हम लोग चाहते हैं कि जो कंपनी, मान लो कि मैं कुछ खरीद रहा हूँ तो अगर वो अच्छे से पैकेज करके नहीं दिया हो रहता है तो हम लोग खरीदने से इनकार कर देते हैं। तो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है वो चाहती हैं कि हम अच्छे से पैकेज करके अपनी कस्टमर को दें। तो ये सब कंपनी चलती ही रहेंगी जो भी पेपर सेटर कंपनी है, खास करके जो पैकेजिंग वाले पेपर बनाते हैं उनका तो धंधा मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो आप लोग पेपर सेटर कंपनी में पैसा लगाइए, ये सब लॉन्ग टर्म वाला स्टॉक है, खरीद के छोड़ दीजिए। आप अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल बटन भी दबा लो। अगर बेल बटन आप अगर नहीं क्लिक करते हो तो मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। सबसे पहले मैं क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट देखता हूँ। और आप लोग भी किसी भी कंपनी को बाई करने से पहले का फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में पता कीजिए, कंपनी का बिजनेस क्या है इसके बारे में भी पता कीजिएगा। देखिए, नेट सेल टर्नओवर सितंबर 17 में था वो 166.26 था और सितंबर 18 में हो चुका है वो 186.73 हो चुका है। तो देख लो, यहाँ पे नेट सेल्स यहाँ पे बढ़ रहा है, 166 से 186 हो चुका है। टोटल इनकम दे लो, टोटल इनकम सितंबर 17 में था वो 169.25 था और सितंबर 18 में हो चुका है वो 196.92 हो चुका है। तो यहाँ पे टोटल इनकम भी काफ़ी अच्छा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट सितंबर 17 में था वो 30.39 था और सितंबर 18 में हो चुका है वो 40.05 हो चुका है। एबिट्टा देख लो, एबिट्टा सितंबर 17 में था वो 33.38 था और सितंबर 18 में हो चुका है वो 50.24 हो चुका है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा मुझे एबिटा लग रहा है, 33 से 50 हो चुका है। प्रॉफिट एंड लॉस फॉर दे लो, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर दियर सितंबर 17 में था वो 14.75 था और सितंबर 18 में हो चुका है वो 29.70 हो चुका है। तो देख लो, 14 से 29.70 हो चुका है। रिपोर्टेड पैट दे लो, रिपोर्टेड पैट सितंबर 17 में था वो 21.51 था और सितंबर 18 में हो चुका है वो 29.70 हो चुका है। तो मुझे इसका क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट अच्छे लग रहे हैं। ओरिएंट पेपर का अब मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका हूँ। ये जो कंपनी है वो सीके बिरला ग्रुप की कंपनी है। सीके बिरला ग्रुप की कई सारी कंपनी है जिसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। कुछ दिन पहले ही इसको डीमर्ज किया गया है। पहले इसमें पेपर भी था और इलेक्ट्रिक का बिजनेस था, दोनों बिजनेस था, लेकिन अब इसको डीमर्ज किया गया है। ओरिएंट इलेक्ट्रिक अलग से लिस्ट है, आपको पता होगा ओरिएंट का फैन ये सब आता है, यहाँ पे देख सकते हो लाइट ये सब जो भी है ओरिएंट का आता है, आपको पता होगा इसके बारे में। तो मैं यहाँ पे बात करता हूँ ओरिएंट पेपर के बारे में। तो देखिए, यहाँ पे ओरिएंट पेपर मिल्स इज वन ऑफ इंडिया मेजर प्लेयर्स इन पेपर विथ वाइड रेंज ऑफ राइटिंग, प्रिंटिंग, इंडस्ट्रियल एंड स्पेशलिटी पेपर। तो कई तरह की ये कंपनी पेपर बनाती है, जैसा कि मैं आपको बताया। दूसरी कंपनी की तरह ये भी कंपनी राइटिंग पेपर, चेकबुक पेपर, पैकेजिंग के लिए जो पेपर आता है ये बनाती है, बहुत तरह के पेपर होते हैं। सीके बिरला ग्रुप का और कई सारी कंपनी है, कई सारी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन है, आपको मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। तो देख लो, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में जानते होंगे, BIT मिश्रा के बारे में जानते होंगे, अगर आप लोग बिहार झारखंड में रहते होंगे तो BIT मिश्रा तो काफ़ी फेमस है, इसके बारे में जानते होंगे। तो चलो, मैं BIT मिश्रा का मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ। काफ़ी फेमस है BIT मिश्रा, काफ़ी अच्छा है, ये देख लो BIT मिश्रा का ऑफिशियल वेबसाइट है। और भी है, देख सकते हो, मॉडर्न हाई स्कूल फॉर गर्ल्स, रुक्मणी बिरला हाई स्कूल, हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन भी इनके पास, द कलकत्ता मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, BM बिरला हार्ट रिसर्च सेंटर, सीके बिरला ग्रुप की कंपनीज देख लो यहाँ पे, ABTEC लिमिटेड, ये देख लो, मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ले चलता हूँ। तो देखिए,
ये कंपनी शायद ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में है, कुछ पार्ट्स बनाती है ऑटो सेक्टर के लिए, ऑटो इंडस्ट्री के लिए। बिरला सॉफ्टवेयर, ये शायद सॉफ्टवेयर की कंपनी होगी, आईटी की कंपनी है। ये देख लो, ये आईटी की कंपनी है, सीके बिरला ग्रुप की। और भी देख लो, जीएमएमसीओ लिमिटेड, ये देख लो, ये इनकी वेबसाइट है, ये भी सीके बिरला ग्रुप की कंपनी है, ये भी सीके बिरला ग्रुप की कंपनी है। बहुत ही अच्छा ग्रुप है भाई, ऐसा नहीं कि कोई छोटा मोटा ग्रुप है। ये नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री लिमिटेड भी देख लो, ये कंपनी शायद बेरिंग बनाती है, ये सीके बिरला ग्रुप की कंपनी। यहाँ पे देख लो, ये जो कंपनी है वो बेरिंग बनाती है, और बेरिंग हर चीज़ में यूज होता है, जितनी भी क्या बोले मशीन होता है ना, उसमें बेरिंग तो यूज होता ही है, चाहे वो रेल हो, बड़ी बड़ी ट्रक हो, ट्रैक्टर हो, फोर व्हीलर हो, टू व्हीलर हो, थ्री व्हीलर हो, और भी कोई मशीन हो, जनरेटर हो, कुछ भी हो, बेरिंग तो यूज होता ही है। बेरिंग वाला बिजनेस में जो भी कंपनी, आपको उसमें पैसा लगाना चाहिए। बहुत ही अच्छी अच्छी कंपनी है जो बेरिंग बनाती है, तो उसमें पैसा आप जरूर लगाइए, अच्छी कंपनी चूज करके पैसा लगा दीजिए। ये सब लॉन्ग टर्म वाला बिजनेस है बेरिंग का। स्पेशल इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड भी सी के बिरला ग्रुप का एक कंपनी है, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये भी कंपनी शायद ऑटो कॉम्पोनेंट्स बनाती है, यहाँ पर देख लो, ऑटो प्रोडक्ट, रेलवे के लिए प्रोडक्ट बनाती है, देख लो, ये सब ऑटो प्रोडक्ट है। मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएंगी। आप सी के बिरला ग्रुप की ऑफिशियल वेबसाइट पे आएँ और देखें किस किस टाइप की है, कौन कंपनी क्या करती है। और भी देख लो, यहाँ पे ओरिएंट सीमेंट के बारे में बता देता हूँ आपको मैं, ओरिएंट सीमेंट भी सी के बिरला ग्रुप का ही है, और ओरिएंट सीमेंट लिस्टेड भी है शायद, हाँ लिस्टेड है, देख सकते हो ओरिएंट सीमेंट। मुझे ये ग्रुप बहुत पसंद है, इसकी कुछ कंपनी ऐसी है जो आपको खरीद के रखना चाहिए। ओरिएंट पेपर का आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लो, प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है वो 38.52% होल्डिंग है, एफआई के पास जो होल्डिंग है वो 0.35% होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास जो होल्डिंग है वो 12.34% होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनी के पास जो होल्डिंग है वो 3.8% होल्डिंग है, अदर डी एफ जो होल्डिंग है वो 0.52% होल्डिंग है, नॉन इंस्टीट्यूशनल के पास जो होल्डिंग है वो 44.09% होल्डिंग है। कोई भी शेयर ओरिएंट पेपर का प्लेस नहीं है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। रिलायंस कैपिटल ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के पास 4.71% की होल्डिंग है। ओरिएंट पेपर का आपको मैं वैल्यूएशन भी दिखा दे रहा हूँ, तो ओरिएंट पेपर का जो पी रेशियो है वो 12.52 पी रेशियो है, प्राइस टू बुक वैल्यू है वो 0.69 इसका प्राइस टू बुक वैल्यू है, डिविडेंड यील्ड है वो 2.27, तो डिविडेंड यील्ड इसका मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। आरओसी जो लेटेस्ट है वो 6.84 का इसका आरओसी है, और आरओई जो लेटेस्ट है वो 5.52 का इसका आरओई है, यहाँ पे वैल्यूएशन अट्रैक्टिव बता रहा है। ओरिएंट पेपर का बेसिक प्राइस चल रहा है 44.05 रुपया है, नेस्सी पे जो प्राइस चल रहा है वो 43.90 रुपया चल रहा है, और यहाँ पे बावन भी जो हाइक है वो 181.90 रुपया दिखाई दे रहा है। तो देखो, अभी इस कंपनी में हाल ही में डिमर्ज हुआ है, तो किसी भी वेबसाइट पे अपडेट नहीं हुआ है, अभी भी मैं देख रहा हूँ कि पुराना ही वाला डाटा है, लाइफ टाइम जो हाई है 52 जो हाई है वो वही है, रिटर्न भी उसी टाइप से शो कर रहा है, तो अभी ठीक से अपडेट नहीं हो पाया है। 52 लो देख लो, 52 जो लो है 25.45 है, तो इसका कोई मतलब नहीं है भाई बताने का। ओरिएंट पेपर का जो मार्केट कैप है वो 934.68 का मार्केट कैप है, तो अभी ये स्मॉल कैप कंपनी है, पी जो है वो 12.51 पी है, और इंडस्ट्री जो पी है वो 12.97 है, तो दोनों लगभग सेम ही है, इंडस्ट्री पी और इसका जो पी है ओरिएंट पेपर का। बुक वैल्यू जो है वो 62.10 बुक वैल्यू है, अर्निंग पर शेयर है 3.52 और फेस वैल्यू 1 है। और भी मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ, ओरिएंट पेपर का जो नेटवर्क है वो 1317.69 का नेटवर्क है, टोटल जो डेबिट है वो 69.88 का डेबिट शो कर रहा है यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट जो है वो
297.09 का इन्वेस्टमेंट है। टोटल जो एसेट्स है वो 1387.53 का एसेट्स है। यहाँ पे देख लो नेट प्रॉफिट कितना अच्छा खासा इंक्रीज हो रहा है। दिसंबर 17 में था वो 10.50 था, और सितंबर 18 हो चुका है वो 29.70 हो चुका है। तो देख सकते हो 10 से 29 हो चुका है, तो काफ़ी अच्छी कंपनी है। लेकिन अच्छी तरह से यहाँ पे अपडेट नहीं है भाई, जिसके चलते मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ। किसी भी वेबसाइट पे ठीक से अपडेट नहीं है, कुछ कुछ अपडेट है, कुछ कुछ अपडेट है ही नहीं। अगर फ्रेंड मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। पहले से अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल बटन प्रेस कर देना। और देखिए ओरियन पेपर को आप खरीदी है, अच्छी कंपनी है, अभी ठीक से अपडेट नहीं हुआ, इसके चलते मैं आपको दिखा नहीं पाया, ना तो मैं ईयरली रिजल्ट आपको दिखा पाया, सिर्फ मैं क्वार्टरली दिखाया, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट इसका अपडेट था और रिटर्न भी इसका अपडेट नहीं। यहाँ पे भी देख सकते हो इसका जब डीमर्ज हुआ था तो यहाँ पे देख सकते हो डायरेक्ट ये स्टॉक नीचे गिरा हुआ बता रहा है, तो यहाँ पे पूरा गिरा हुआ नहीं है भाई, इसको डीमर्ज किया गया था, ओरिएंट इलेक्ट्रिक को अलग से लिस्ट कराया गया है। तो आप लोग घबराइएगा मत, कंपनी बहुत ही अच्छा रिटर्न देती है। अब अपडेट कब करती है मुझे भी नहीं पता, क्योंकि डीमर्ज का तो बहुत टाइम हो चुका है, फिर भी यहाँ पे अपडेट नहीं बता रहा है। चलिए कोई बात नहीं, कंपनी अच्छी है, आप लोग खरीदिए, रिटर्न बना के देगा। धन्यवाद।